वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज बड़े दुखी हिरदे नाल अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करना है। पिछले बहुत दिनों तो जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे राही जिहड़ी 267 तों बाद 328 और हुण 400 तों उपर वध गया, इन्हां बारे संसार भर के सिख चिंता भी सन के सिखां दी सब तो वड्डी धार्मिक संस्था विच भी गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार और अदब नहीं रहा तो बाकी कित्थे जाएगा, सिख कित्थे जाणगे। सिख जिथे बंदियां अलग अलग तौर ते अपना संघर्ष कर रही हैं, आना चाहिदा तो यह सी कि समुचियां सिख जथेबंदियां भावें पोलिटिकल पार्टीज हैं भावें जथेबंदियां हैं, ये सारे इकट्ठे होके एक प्रोग्राम लीक है तो इन्हों के विरुद्ध जवाब खानी सी। पर चलो सब तो पहले गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी वाले ने अल्टीमेटम दिता से भी सानू दसिया जाए और जेडे दोषी हैं उन्होंने खिलाफ 295A का मुकदमा दर्ज कराया जाए अमृतसर के किसी थाने दे विच जिहड़ा दरबार साहब के नाल लगता है। पर किसी भी प्रबंधक ने ना ही बादल दल जिन्हों का कब्जा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उहदे प्रधान ने सकत्तर ने किसी लीडर ने दे बारे कोई आवाज नहीं चुकी, कोई भरोसा नहीं दिता। गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबियां किवें होईआं उहदे बारे कोई जिक्र नहीं किया और यह बेदबियां जिहड़ियां होईआं इह उस वक्त की सरकार के कहण ते सरदार प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री सन और सुखबीर सिंह बादल जिहड़े डिप्टी मुख्यमंत्री सन ते नाल होम मिनिस्टर सन, सारिया उन्हां दीआं शर्तां जे पुलिस कोल केस दर्ज कराउंदे हुंदे ते इन्हां दीआं परतां खुल्लदीआं सन। अफसोस इस गल दा कि कल जिहड़ा धरना सी बड़ा शांतमय रहा, उन्हां नूं नहीं अंदर आण दित्ता, कोई गल नहीं इस कोल ते मसंद बण के बैठे होए हन। पर अज दरबार साहब के आस पास जितनिया भी जगह सन सारिया इन्होंने रोक दित्तियां गईआं, कोई उत्थों चिड़ी भी नहीं फड़क रही सी, भावें बाबा टल साहब से भावें दूसरे पासे सन, इको रस्ता सी जिथे इन्होंने दरबार साहब आने वास्ते संगत लई खोलिया सी और उस रस्ते चो संगत जिहड़ी सी आए सन सत्कार कमेटी वाले वह बैठ गए अपना जाप जपण लग पे। बड़ा अफसोस है कि अज तकरीबन 99.5 साल बाद जो कोई ननकाणा साहब की पवित्र धरती दे 2022 दे विच होया फरवरी 2020 ਉਹ ਕੁਝ 21 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਨੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਤਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਰੋਕ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस वास्ते ये मामला समुचे पंथ है, जो पंथ फैसला करेगा असि उस तरह काम करांगे जिद सिख कौम की तसली होगी। पर कोई नहीं आए और उल्टा मार कुटाई की गई है जिदी असि भरपूर निंदा करते हैं। मैं पुछना चाहता जेडे 10 कदम के जथेदार अकाल तख्त साहब जथेदार हरप्रीत सिंह जी बैठे हैं वह अपने की बयान देना चाहते हैं कौम कौम के नाते की संदेश देना चाहते हैं बी कोई भी सिख गुरु ग्रंथ साहब की जितनी मर्जी बेदबी हो जाए जो मर्जी करता जाए किसी ने आवाज ही चुकनी। ए जड़िया गल्लां हन ए बहुत गंभीर हैं और मैं दस देना चाहता यह दिन दूर नहीं कि शायद जिवें मंद नारायणू ने सिखां दे जबर जुलम करके शहीद किया सी अगर सानू इस तरह शहीद भी होना पिया असी होवांगे, पर गुरु ग्रंथ साहब भी बेदबी किसे कास्ट नहीं सवेंगे किसे कास्ट नहीं सवेंगे और सिख ही नहीं जरा गुरु ग्रंथ साहिब भी बदबी सा जाए भुल चुक दे माफी।